नमस्कार, एसएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ है एडवोकेट आईआर सिंह जी, जो कि बहुजन समाज की जानी मानी हस्ती हैं और बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज हमसे पूछना चाहेंगे कि बुद्धिजीवी लोग हमेशा मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं। देखिए मैडम, मैं आपको बतला दूँ कि जैसे पुराण शब्द है, तो पुराण शब्द का मतलब है कि देखो भाई, इसमें झूठ है, कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। और संविधान का जो विलोम शब्द है वो है मनुस्मृति। दूसरा, मानवता का जो विलोम शब्द है वो है मनुस्मृति। और इक्वल और लिबर्टी, स्वतंत्रता का, मानव स्वतंत्रता का, चाहे वो महिलाओं की स्वतंत्रता हो या मनुष्य की स्वतंत्रता हो, उसका विलोम शब्द है मनुस्मृति। मनुस्मृति जो जिस भी व्यक्ति ने बनाई हो, हालांकि मनुष्य मन का बेटा नहीं है, उसका मन का बेटा है, किसी मनु का बेटा नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर मन है और मनुष्य मन का बेटा है, मनु का कोई बेटा नहीं है। ये तो मूर्ख और लोगों को फंसाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए कर दिया है। जहाँ तक मनुस्मृति की मैं बात बता दूँ, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा दुर्गंधित पुस्तक है। और दुर्गंधित पुस्तक इसलिए है क्योंकि महिलाओं को बराबर का सम्मान नहीं देती। ये देश के दलितों को, शूद्र कास्टों को बराबर नहीं मानती, और ये एक शोषण करने वाली किताब है। और आपको बता दूं, ये किताबें कुछ लोगों ने मनुष्य का शोषण करने के लिए और उन पर अत्याचार करने के लिए लिखी गई हैं। और लोगों ने, क्योंकि उस समय आपको मैं बता दूं, जहाँ तक लिखने पढ़ने वाली बात है, भारत के अंदर कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिलता कि अशोक के शिलालेखों से पहले कि यहाँ के लोग लिखना जानते थे, कोई किताब नहीं है। जो भी किताब लिखी गई है वो बौद्ध धर्म के विद्वान, बौद्ध विद्वानों के बाद में लिखी गई है। मनुस्मृति इज द सिंबल ऑफ इनइक्वलिटी, असमानता का प्रतीक है। और आप अरिस्टोटल की बात को जानते हैं कि असमानता हमेशा क्रांति की जननी होती है। महिलाओं का शोषण हो, और या ये आप कहिए, जब राजा नंद कुमार को अंग्रेज़ों ने फांसी लगाई गई, वारेन हेस्टिंग्स ने, तो उस समय पूरे देश हल उठा कि वो पहला, अंग्रेज़ों ने पहली बार ब्राह्मणों को फांसी दी थी। इससे पहले मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण को फांसी देने का, कितना ही भी बड़ा अपराध करे, कोई बलात्कार करे, डकैती करे, किसी ने कत्ल कर दे, उसको फांसी देने का अधिकार नहीं था। तो ये जो किताब थी, ये बड़ी दुर्गंधित पुस्तक है, ये संविधान के खिलाफ है, संविधान के विरोधी है, और चंद शोषण करने वाले समाज के लोग इस किताब को पर चलना चाहते हैं ताकि मानवता देश में से खत्म हो जाए। जब आप हिंदू एक तरफ कहते हैं कि भाईचार, पूरा विश्व एक बंधुता की बात है, तो मनुस्मृति में कहाँ लिखा सब मनुष्य बराबर है? वो तो ये कहते हैं कि नारी को ये नहीं करना चाहिए, उसको समान अधिकार नहीं देना चाहिए, और अपनी बेटी को ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए। पहली बार मनुस्मृति के मिथक को, उसको तोड़ने वाले बाबा साहब थे, जिन्होंने कहा कि अगर किसी के पिता की कोई लड़की है और या बहन या बेटी है, उसको ज़मीन में से बराबर का हकदारी मिलेगी। जो उन्होंने बनाया एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके तहत बराबर का अधिकार मिलेगा। मनुस्मृति बराबरी किताब नहीं है, उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है, कोई मानव सम्मान नहीं है। वह एक ऐसी पुस्तक है जो शोषण के लिए ग्रहों ने लिखी थी, और जो लिखता गया उसको कहते गए इसने लिखा, लिखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ के लोग लिखना जानते ही नहीं थे। इसलिए मनुस्मृति संविधान विरोधी है, और संविधान के मुताबिक इस वाली पुस्तक पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो देश के अंदर असमानता करना चाहते हैं, देश की एकता अखंडता को ख़त्म करना चाहते हैं, देश के टुकड़ा करना चाहते हैं। इसलिए मनुस्मृति को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जब संसार की सबसे बड़ी जो पवित्र पुस्तक है वो भारत का संविधान है, और संविधान को हमें इस तरह थूक लगा कर उसका पेज भी नहीं पलटना चाहिए। हमें ना गीता पढ़ने की ज़रूरत है, ना हमें बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, ना कुरान शरीफ, पवित्र कुरान को पढ़ने की ज़रूरत है। आज हर स्टूडेंट को, हर नौजवान को, हर बुद्धिजीवी को भारतीय संविधान को पढ़ने की ज़रूरत है। और इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति में मेरे ख्याल से 1927 में आग लगा दी थी, और उसमें कुछ ब्राह्मण भी उनके साथ मिले हुए थे जब इसको आग लगाई थी। और आग लगाई भी जानी चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत के, ये इट वॉज ए सिंबल ऑफ इनइक्वलिटी अमंग द इंडियन सोसाइटी, और ये भारत की एकता अखंडता के लिए खतरे की निशानी है। इसको ख़त्म होना चाहिए, नहीं तो देश बढ़ जाएगा और देश की एकता अखंडता नहीं रह पाती। जो लोग इसका समर्थन करना चाहते हैं वे चंद धोखेबाज ठग लोग समाज को धोखा देना चाहते हैं। मैं डॉक्टर जॉनसन का एक बयान बता दूँ कि मैं
मैं चंद लोगों की धमकी में आकर समाज को धोखे देने वाले लोगों को पकड़ने से बाज नहीं आ सकता। थैंक यू वेरी मच। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी IR सिंह जी का, जिन्होंने हमसे बात की। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैडम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।